करे कि ब्राह्मण भोज नहीं हो। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का भी प्रयास है ब्राह्मण भोज या ब्रह्म भोज वो कम से कम नहीं हो, इसीलिए कि खर्च बिना मतलब का नुकसान लोग उसका दुरुपयोग करते हैं। हमारे स्वर्गीय पिताजी का जो सपना था वो सपना साकार हो, तो इससे एक मैसेज जा रही है कि डिस्टेंसिंग का भी पालन हो रहा है, मास्क पैसा बचेगा, उस पैसे से जो मेरा ये लड़की जिसकी शादी नहीं हो पाती है समय से, मुख्यमंत्री जी भी बहुत प्रयास कर रहे हैं कि गरीब लड़की को खाना मिले, पढ़ाई मिले, कपड़ा अच्छा मिले। चीन पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी लोग चल रहे हैं, एक मौका मिला है जो स्वर्गीय पिताजी का श्राद्ध के बहाने मिला है। तो मेरा कहना है कि ब्रह्म भोज हो, ब्राह्मण भोज नहीं हो। तो जो ब्राह्मण आएंगे पूजा करने के लिए तो पेट खाली पेट तो जाएंगे नहीं, तो हम लोगों का फर्ज बनता है कि उनको कम से कम भोजन कराना चाहिए। तो ब्रह्म भोज से मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन ब्राह्मण भोज से आपत्ति है। आपके चैनल से माध्यम से झंझारपुर के तथा हमारे बिहारवासी कम से कम भविष्य में इस तरह का भोज का आयोजन नहीं करें, यही हमारे पूरे हिंदुस्तान से मैसेज आ रही है। बहुत लोग कहते हैं, सराहनीय कदम उठाए हैं। दूसरी जिस संसदीय क्षेत्र से आता हूँ वो बहुत बैकवर्ड क्षेत्र है, तो मेरा प्रयास ये भी है कि हमारे क्षेत्र के विकास कैसे हो। पर्सनल पैसे से घोषणा किया हूँ कि एक कम से कम छोटा सा, नहीं बड़ा, भवन कहिए या विवाह भवन कहिए या कम्युनिटी हॉल, वो बनाने का मैं वचन दिया हूँ। हमेशा मैं प्रयास करता हूँ कि मेरे जो फंड आएंगे तो फंड से अच्छा काम करें। आपके चैनल के माध्यम से आह्वान भी करना चाहता हूँ पूरे बिहार वासियों को कि आप लोग इसी तरह का परंपरा को लागू करिए, ताकि इस गेट के लिए मैंने अनुशंसा किया हूँ। उसके बाद हर खेत में जो बोरिंग होता है, स्टेट बोरिंग लाइक खेत में बिजली जाएगी। भारत सरकार और बिहार सरकार प्रयत्नशील है, जहाँ रोड नहीं है रोड की, नाबार्ड से भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं